नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर और वक्त हुआ है तकरीबन 11:01 और ये प्रोग्राम है रेनबो रिवाइंड और मैं हूं इस प्रोग्राम में आपके साथ वसीम। मैं रहने वाला हूं देर रात 2 बजे तक और आज ये 9 तारीख का जो सिलसिला हम 12 बजे तक, उसके बाद 10 में तब्दील हो जाएगा, वहां तक हम ले जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से हैं। ये वीकेंड वाइब्स है और रेनबो रिवाइंड है, ये पुराने दौर के गाने जो आज हम सुनेंगे इस दौर में, इस नए दौर में। बहुत ही खूबसूरत सा ये एहसास है और कमाल है इन गानों का कि जो अब तक हमारे साथ है। न्यूज़ ऑन AIR ऐप, अपने ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि जहाँ कहीं भी आप हमें सुन सके इस ऐप के आ जाने से। और आप लोग myfmrainbow@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल तो आपको पता ही है FM Rainbow Mumbai, और साथ ही साथ कॉल कर सकते हैं अगर बात करना चाहें 2281577 या फिर 8986576610 पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। दीपाली शिरोडकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। आप सभी लोग जितने भी रेनबो रिवाइंड में जुड़े हैं सबका स्वागत करते हैं और बढ़ते हैं गानों की तरफ और उम्मीद है कि ये गाने आप लोगों को पसंद आएंगे। बस बने रहिएगा मेरे साथ इस रेनबो रिवाइंड पर, खूबसूरत सा सफर दिल से दिल तक। ओ अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुझसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो, मुझको बचा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। जिन राहों पर हंस के चलो तुम, फूल वहां खिल जाते हैं। दम ले जहाँ रुको तुम, मदशाले बन जाते हैं। तुमको छू कर पवन झकोरे खुशबू ले कर जाते हैं। लेकिन हम तो देख के सूरत दिल थामे रह जाते हैं, दिल थामे रह जाते हैं। दिल से दिल के तार मिला लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। Thank you.
तरह मैं प्यास हूँ, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। जरूर सुनाऊंगा मैं ये गाना रेनबो रिवाइंड पर, आप लोगों का स्वागत है। कई सारे नाम है जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। आयज भाई आपका, आपकी वालिदा का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दीपाली शिरोडकर आपका स्वागत, स्नेहा वरली आपका स्वागत, प्रकाश शिंदे बहुत बहुत शुक्रिया। वो गाना मैं जरूर सुनाऊंगा, मधुबन खुशबू देता है मैं जरूर सुनाऊंगा। वो सावन कुमार तक साहब का जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है उसके लिए आप सुनना चाहते हैं। और आनंद मुकाशी नमस्ते, थैंक यू। महेश भाटकर सांताक्रूज से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जितने भी लोग यहाँ पर बने हुए हैं इस वक्त, और मजरू साहब ने ये गाना लिखा है, और अंदलीप जी उनके साहबजादे, उन्होंने एक बार कहा था मुझसे कि वालिद साहब की, उनके जो फादर है पिताजी की, उनकी ये खास बात थी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर्स के जो ट्यून पर लिखे जाते थे गाने उसमें मजरू साहब के गाने का माल करते थे। मैंने पहले ही कह दिया विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो आइए सुनते हैं ऐसे ही ख्याल। इसके पहले भी जो गाना आप लोगों ने सुना तुम गगन की चंद्रमा और तुम सुधा में प्यास हूं, लेकिन ये जो लिखने वाले वो भरत व्यास थे। बहुत ही खूबसूरत इस तरह से बोल को ले आना गानों में और उसका असर हम पर हो जाना, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। अच्छा, वो दौर एक ट्रेंडिंग दौर नहीं था, आज ट्रेंडिंग दौर है, लेकिन वो दौर बिल्कुल ऐसा था कि जिस पर पुख्ता यकीन था अपने काम पर, और इस तरह से उसे किया जाता था कि वो गाने देखिए आज तक हमारे साथ बिल्कुल हू बहू जैसे बने थे वैसे ही है। और मैं जैसे ही कोई गाना प्ले कर रहा हूं मुझे फौरन वो मैसेज आ रहा है, दैट्स अ नाइस सॉन्ग एंड ऑल दिस। ये असर है उन गानों का, ये पूरी टीम वर्क और आपकी चॉइस ऑफकोर्स भी मैटर करती है। तो चलिए जिन बातों का मैंने जिक्र किया उन्हीं बातों को लेकर आगे चलते हैं, और रेनबो रिवाइंड पर बने रहते हैं मेरे साथ दिल से दिल तक। जिस दिन से उतारी है
तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वहीं मेरा दिल, तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वहीं मेरा दिल झुके, जहाँ पलके तेरी खुले, जहाँ जुल्फे तेरी रहूं उसी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। नजर मिलती होगी यूं ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में।
प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम कहने लगे आजाद रहो, हम कैसे भुलाएं प्यार तेरा, तुम अपनी जुबा से ये न कहो, अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे, तुम कहते प्यार में सारा आलम। प्यार के गंगा जल से बलंगे, तन मन अपना धो बैठे, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम। प्यार के सागर हम तेरी लहरों में ना डूबो बैठे, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। आकाशवाणी FM रेनबो, आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज, म्यूजिकली योर्स। क्या खूबसूरत गाना था ये, हम तेरे प्यार में सार आलम। मोहसद जयपुरी साहब ने लिखा और लता मंगेशकर जी ने गाया दिलिक मंदिर से। और इसमें जब प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम कहने लगे आजाद रहो, कोई इस कदर किसी से कह दे कि वो आपसे प्यार नहीं करता, और उसके बाद जिसे आप ये बात कहते हैं या आप किसी से कहते हैं या कोई आपसे कहता है, मान लीजिए आप कहते हो और कोई आपको इस तरह से मनाने लगे, तो शायद ही आप मना कर सकें, है ना। ये एक नजरिया था और मुझे लगता है कि यही बहुत ज्यादा मायने रखता है। कुमुद परेल से थैंक यू सो मच बहुत सारी दुआओं के लिए। प्रकाश शिंदे यस, यशपाल बिंदाल यमुनानगर से नमस्कार, गुड इवनिंग, जरूर मैं सुनाऊंगा आपको। और राजेंद्र जुठानी जी, मोतीलाल जुठानी जी, नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सबको कह रहे हैं वो। और जूली, थैंक यू सो मच जूली सिल्वेरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राजेंद्र परमार, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। दीपाली शिरोडकर, स्नेहा, आप लोग सभी लोग जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं। ये जो रेनबो रिवाइंड का प्रोग्राम है ना, एक्चुअली एक अलग ही मूड, इसका एक अलग ही माहौल है, और इसको सुनने के बाद बहुत बहुत इंसान कहीं खो जाता है। और है ये गानों का असर ऐसा ही। आप लोग ये तो जानते होंगे कि लता मंगेशकर जी जो हिंदी फिल्म संगीत, उनकी आवाज, उनका अंदाज, ये जो हर एक गाने में जिस सलीके से वो गाती हैं, जिस अंदाज से वो कहती है, वो लफ्ज, वो वर्ड, वो शब्द वैसा ही जाकर हमारे दिलो दिमाग पर लगता है, हाँ या ना। इत्तेफाक रखते होंगे आप 8657661071 पर आप अपना नजरिया जरूर शेयर कर सकते हैं। लेकिन यही कमाल था, हर एक बात का असर इतना होता है कि जिसे ऐसे गाया जाए
के लोगों के दिलो दिमाग पर पहुंचा, और एक नहीं दो नहीं लाखों लोगों के, अनगिनत यूं कहा जाए। लेकिन एक भी गाना किसी खास म्यूजिक डायरेक्टर के लिए उन्होंने नहीं गाया था। आपको पता है उनका नाम क्या है? क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर जी ने कभी भी एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिनके लिए गाना नहीं गाया, बताइए मुझे। मैं बताऊंगा, मुझे तो पता है, मैं साहब आपसे पूछ ही रहा हूं, आप लोग बताइए मुझे इसका जवाब अगर आपको पता है। और आप लोगों की रिक्वेस्ट यहां पर हम प्ले कर रहे हैं, और आप लोग बने रहिए मेरे साथ रेनबो रिवाइंड पर, जो है म्यूजिकल योर्स, दिल से दिल तक। Yeah.
छूट जाए मेरे दिल से यूं ही चलो दिल चार टूट जाए मेरे दिल से यूं ही चलो जीती रहा यूं ही तुम मेरी भी उम्र ले लो मेरी भी उम्र ले लो किस दिन दुआ न मांगी हमने तुम्हारी जान की सलामत रहो सलामत रहो सलामत रहो सलामत रहो Musically yours. 11:35 हो गए हैं और रेनबो रिवाइंड चल रहा है ये प्रोग्राम 107.1 मेगाहर्ट्ज पर और आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल है ये आप लोगों के मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों के जवाब का भी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच और गुड इवनिंग और ये है श्वेता पाठक जोगाद्री यमुनानगर हरियाणा से थैंक यू सो मच और अनिल विश्वास जी आपका ये कहना है राजेंद्र जी राजेंद्र जुठानी जो कांदिवली से हैं दीपाली शिरोडकर अब बहुत अच्छा जवाब था आपका बिल्कुल सही प्रकाश तुमने सही जवाब दिया और दीपाली जी आप भी सही है ओपी नैयर साहब जिनका पूरा नाम अगर कहें तो ओम प्रसाद ओमकार प्रसाद नैयर है और एक से बढ़कर एक गाने गाए वजह खुदा जाने क्या है लेकिन ये एक वजह जरूर रही है और मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की है वैसे पता ओपी नैयर साहब के गाने अगर मैं उनके जिक्र करूं तो आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे चलो कह भी देता हूं और एक आध दो सुना भी दूंगा आप लोगों को इस रेनबो रिवाइंड पर और जैसे लेके पहला पहला प्यार और लाखों हैं आंखों से जो उतरी है और फिर छुपने वाले सामने आ उधर तुम हंसी हो यही वो जगह है और कई सारे हमदम मेरे कई कई जितने भी गाने अगर मैं कहूं कि बाबूजी धीरे चलना क्या कहूं कितनी लंबी सी लिस्ट है और कजरा मोहब्बत वाला जी सर पर टोपी ये इतने सारे गाने लेकिन इत्तेफाक ये रहा है कि इसमें ये बात भी अपनी जगह रकम है चलिए लेकिन अब जब बात का जिक्र हुआ है वजह चाहे जो भी हो गानों का सिलसिला जारी रहना चाहिए और हर एक कलाकार अपने आप में कमाल है और ये जितने भी गाने हैं आप रेनबो रिवाइंड पर सुन रहे हैं हम खुश नसीब हैं कि इतने खूबसूरत बोल इतने खूबसूरत आवाज इतने खूबसूरत कॉम्पोजिशन हमें इसके माध्यम से सुनने मिल रहा है और क्या चाहिए ये रात और भी खूबसूरत बनती चली जा रही है इन गानों के साथ बने रहिए दिल से दिल तक यही वो जगह है यही वो फिजा यही पल कभी आप हमसे मिले थे यही वो जगह है यही वो फिजाएं यही
के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार पहला पहला प्यार तुमने तो देखा होगा उसको सितारो आओ जरा मेरे संग मिलके पुकारो के पहला पहला प्यार जब से लगाया तेरे प्यार का काज काले काले फिर हाके रतियां है बेकर के पहला पहला प्यार मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली नैनों वाली तेरे द्वार लेके सपने हजार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार चाहे कोई चमके जी चाहे कोई पर से बचना है मुश्किल पिया जादूगर से देखा ऐसा मंत्र मार आखिर होगी तेरी हार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर
लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार सुन बातें तेरी गोरी मुस्काई रे आई आई देखो देखो आई हंसी आई रे खेली होठों पे बाहर निकला गुस्से से भी प्यार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके लेके पहला पहला प्यार आकाशवाणी FM रेनबो आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स। तो सुन लिया आप लोगों ने ये गाने 11:47 और 36:37 सेकंड हो चुके हैं और ये प्रोग्राम है रेनबो रिवाइंड। आप लोग मेरे साथ बने हुए, कई सारे लोग अभी तक जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही हो बिनैया साहब का जिक्र, मैंने उनके गाने भी प्ले कर दिए और आप लोग जवाब दिए जा रहे हैं, इसका शुक्रिया मतलब बड़ी शिद्दत के साथ आप लोगों ने सुना और ये जानकर आप लोगों को खुशी। प्रकाश थैंक यू सो मच फॉर रिकन्फर्मिंग और प्रिया जी ने ये शो किया था स्पेशली, अच्छा लगा हमें भी सुनकर। फिलहाल कुछ गाने और हैं जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और उसके बाद जो पहला हिस्सा है 9 तारीख वो कम्प्लीट होने वाला है। वैसे आदिवासी दिवस जो हर साल 9 अगस्त को मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश है, ये 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के साथ मेल खाता है और आदिवासी भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले विभिन्न जनजातियों को संदर्भित करता है। जबकि इस दिवस का अर्थ हिंदी में दिन होता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आधुनिक समाज में कई प्रगति के बावजूद स्वदेशी जो लोग अक्सर सबसे गरीब जातियां समूह में से एक है। आदिवासी दिवस उन चुनौतियों को पहचानने का प्रयास करता है जिनका सामना ये लोग आज भी कर रहे हैं, साथ ही सुधार के लिए उनकी दृढ़ता और संघर्ष का सम्मान भी करते हैं। मैंने सोचा ये बातें आप लोगों तक पहुंचा दूं, हर एक दिन मना लेना और क्यों एक ही दिन, मतलब इनकी जिंदगी के बारे में किस तरह से चैलेंजेस हैं और उनके बारे में जिक्र है इसमें और उसे मनाया जा रहा है, उसे एक्नॉलेज किया जा रहा है, उसे देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, उसके बारे में कुछ किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा कदम रहा 1993 से जो चलता आ रहा है, बहुत अच्छा लगा हमें ये सुनकर। वैसे राष्ट्रीय पुस्तक प्रेमी दिवस भी है, मतलब अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो बिल्कुल किताबें भी आपकी तरफ रुझान रखती है, मतलब नॉलेज इल्म है ना, मालूमात, कोई भी बात अधूरी नॉलेज तो मतलब बहुत नुकसान है, लेकिन अगर आपको उसके बारे में पूरी तरह से पता है तो आप बहुत 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 कुछ कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन हाफ नॉलेज बहुत ज्यादा डेंजर इसलिए भी है कि आप वो भी बता देंगे जो आपको नहीं पता है और जो सुनने वाला अगर आप पे भरोसा कर ले तो फिर तो उसे मान ही लेगा और वो क्रॉस चेक करेंगे भी नहीं, लेकिन वो फिर आगे एंड देन द लिस्ट इज एंडलेस। तो इसलिए आप आधी नॉलेज अगर रखते हैं और उसके बाद वापस आप बुक रेफर करते हैं, यहां पर सिर्फ लर्निंग को नहीं लेकिन रीडिंग को लेकर भी बात की जा रही है। अगर आप किताबों से प्यार करते हैं आज भी तो वो बहुत अच्छी आदत है, नए नए अल्फाज, नई नई बातें, नए नए ख्याल, नए नए किस्से, हर वो चीज जो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करती है उसे बिल्कुल कायम रखिए और बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम रेनबो रिवाइंड पर। 9 तारीख को करेंगे बस इन गानों के साथ अलविदा और फिर पहुंचेंगे इस 2024 की 10वीं तारीख में अगस्त के महीने की, दिल से दिल तक।
खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो मधुबन खुशबू देता है।
रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों था, तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था, हमको दुनिया में समझना ना सनम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम के बाद, तेरी गलियों में को लगाएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों। चलिए एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। इस बार 10 तारीख और 12 बज चुके हैं और आप लोग हैं रेनबो रिवाइन पर। मैं वसीम आप लोगों के साथ 107.1 मेगाहर्ट्ज और ये आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल है। मैं आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ देर रात 2 बजे तक। और ऑफकोर्स राजेंद्र जी, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को मिला जो पदक है उसके लिए भारतीय हॉकी टीम और ऑफकोर्स नीरज चोपड़ा को भी और सारे जितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट किए उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सारे भारतवासियों को। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, आप में भी काबिलियत है, अपनी काबिलियत को पहचानिए और बस मेहनत करते रह जाइए और करते चले जाइए और फिर अंजाम जो भी हो मेहनत करते रहना। एक वीडियो मैंने देखा था जो युवराज सिंह के जो पिताजी हैं वो पूरी बारिश थी वहां पर और बीचों बीच बारिश के वहां पर पानी भरा हुआ और उसमें वो प्रैक्टिस कर रहे। उन्होंने कहा कि एक शिद्दत एक जुनून चाहिए, अगर कहीं पहुंचना है तो कहीं निकलना होगा और बस यही कोशिश करना होगा कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल पर कैसे पहुंचा जाए, मेहनत करके उसकी तलाश करिए। फिलहाल मैं कुछ गाने आप लोगों के लिए यहाँ पर ले आया हूँ, उसमें से कई तो आपकी रिक्वेस्ट है, तो चलिए सुनते हैं ये गानों की ये फहरिस्त रेनबो रिवाइन पर जो है म्यूजिकली योर्स दिल से दिल तक। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी
प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक वनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मेहमान है, छोड़ संसार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। मत रोको मुझे, मत रोको मुझे, गाने दो मुझे। मत रोको मुझे, मत रोको मुझे, गाने दो मुझे। मत रोको, जो रोको मुझे गा।
सोना न चांदी न घोड़े न हाथी न सोना न चांदी न घोड़े न हाथी मेरे गीत मेरे साथी मैं हूँ दूल्हा ये बाराती मुझे गीतों की डोली मुझे गीतों की डोली सजाने दो मुझे मत रोको मुझे गाने दो मुझे मत रोको
सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ। तो रोका किसने है? हाँ, रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242। ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स। 12:15 और 24-25 सेकंड्स हो चुके हैं और ये रेनबो रिवाइंड है। मैं हूँ आप लोगों के साथ वसीम और उम्मीद है कि आप लोग इन गानों को एंजॉय कर रहे हैं। वैसे आप लोगों के फीडबैक हमें बता रहे हैं जरूर कि आप इन्हें सुन रहे हैं। प्रकाश, वो गाना था, वो जाने की बात नहीं थी, मुझे मत रोको मुझे जाने। तो एक्चुअली अयाज उनकी अम्मी सुनना चाहते थे ये कुरला से, तो मैंने वो प्ले कर दिया। जैन मनिकलाल दवे यूएसए इलिनॉय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सारे लोग, आपकी जो फैमिली वो सुन रहे हैं इस वक्त, बस इसी तरह सुनते रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। दीपाली शिरोडकर, ग्रेट जॉब, एंजॉयिंग, थैंक यू। माया कामत, आबा पाटिल उड़ने धुले से, प्रकाश थैंक्स, और राजेंद्र परमार जी आपका भी शुक्रिया, राजेंद्र जुठानी जी आपका भी शुक्रिया बुरली से, और राजेंद्र परमार। साथ ही साथ ये 332 नंबर, आपकी जो रिक्वेस्ट है सौदन फिल्म से, वो हम जरूर सुनाते हैं आपको। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, उम्मीद है कि ये गाने आप लोगों ने पसंद किए। चलिए ये गाना सुन लेते हैं, एक दो गाने हैं, फिर वापस लौट कर आते हैं यहीं रेनबो रिवाइंड पर, दिल से दिल तक। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। है टूटे दिल की कोई आस है, जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक वनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी बेवफा है तो क्या,
अपने रूठे हैं हमसे तो क्या, जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या, हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। मुस्कान है दर्द की कोई पहचान है, जिंदगी एक मुस्कान है दर्द की कोई पहचान है, जिंदगी एक मेहमान है छोड़ संसार जाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है हंस के उस पार जाना पड़ेगा। FM Rainbow 107.1 MHz musically yours. हो जब अपने
मना देंगे, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स। वेलकम बैक। 12:26 जिंदगी प्यार का गीत है दोबारा और आप लोग बने हुए हैं हमारे साथ जो है 12:26:33 और ये वक्त मैं आप लोगों से बता रहा हूँ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल रेनबो रिवाइंड है। ये तकरीबन आधा सफर होने आया था आप लोगों के साथ इन गानों के दरमियान। बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब आप हैं दिवाकर शिनॉय मैंगलोर से, थैंक यू। और अभी परिचय का एक गाना मैंने सुनाया था, कुछ देर थोड़ा इंतजार करो फिर करते हैं जरूर। प्रकाश थैंक यू सो मच रेनबो रिवाइंड पर खूबसूरत गीत। स्नेहा आपका शुक्रिया। और आप हैं शुभदा, थैंक यू। माया थैंक यू सो मच। जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं जो आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि हिंदी फिल्म संगीत में जो एक रेवोल्यूशन एक क्रांति अगर कहें लाने वाली एक फिल्मों में से एक थी तीसरी मंजिल। ये फिल्म किसी महान संगीतकार की पहली बड़ी हिट फिल्म थी अगर कहा जाए ऑन रिकॉर्ड्स। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? नहीं, जरा गौर करिए। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं ये गाने, बहुत खूबसूरत से गाने। इनफैक्ट इसके पहले भी जो मजरू साहब ने गाना लिखा था तुम साथ हो जब अपने कालिया से, उसमें भी उनकी म्यूजिक थी। अब एक मैंने हिंट आपको दे दिए। और क्या खूबसूरत इंस्पिरेशनल सॉन्ग ले गए मजरू साहब। मैंने कहा था मजरू साहब के बारे में स्टार्ट में ही, एंड ऑफकोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर्स। रेनबो रिवाइंड ये गाने सुनते हैं, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे आखिर वो म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। स्टे ट्यून्ड, दिल से दिल तक। तुमने मुझे दे
जान जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये जमीन थम गया आसमां जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा के सहरा में रुकते चलते होते इन होठों की हसरत में तपते जलते होते मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये समय थम गया आसमां जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा जलवे तुम भी न कहां पहुंचे आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुंचे खत्म से हो गए रास्ते सब यहां जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये जमीन थम गया आसमां जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई जाने जा तुमने मुझे देखा FM Rainbow 107.1 MHz musically yours जाने क्या बात
आकाशवाणी एफएम रेनबो, आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स। बिल्कुल म्यूजिकली यॉर्स। 12:45 हो चुके हैं और रेनबो रिवाइंड चल रहा है आप लोगों के साथ में, और बड़ी तेजी से वक्त गुजरा है आप लोगों के मैसेजेस और कॉल्स के बीच में। महेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, शिवाजी मेरा नाम तुम्हारा भूल गया था लेना, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। राजू पटेल चेंबूर से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सही जवाब दिया आरडी बर्मन के बारे में जो कॉल करके हमें बताया। यस आरडी की म्यूजिक और तीसरी मंजिल का जो वो म्यूजिक था ऑफलेट, मुझे बड़ा देरी से वो पता चला था, मैं भी गौर नहीं किया उन बातों पर, लेकिन जब पता चला तो कई सारी ऐसी चीजें, कई सारे ऐसे गाने जो हमारे फेवरेट हैं, लेकिन यही होता है कि उसे लिरिसिस्ट कहें या म्यूजिक कंपोजर्स कहें या सिंगर्स, तो खैर पता चली जाते हैं आवाज से अक्सर, और उस दौर के हों तो और भी ज्यादा। लेकिन ये जो गाना आनंद बख्शी साहब ने लिखा था सनी फिल्म से, और जिस अंदाज से गाया था लता मंगेशकर जी ने, जाने क्या बात है, उसमें अमृता सिंह का जो परफॉर्मेंस था, फिर उसके बाद ये एक गाने की रिक्वेस्ट आई थी ताउल्ला तुम्हारी और मलिक राइट, ये तुम्हारा हावड़ा से वेस्ट बंगाल से तुमने किया था और हमने उसे जरूर आपको सुनाया। प्रकाश बड़ी अच्छी बात कही, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है तो क्या हुआ, रेनबो रिवाइंडर सुरीला सफर का साथ है, वाह तुम तो शायर भी निकले, कमाल की बात है। हाँ चलिए, ये प्रोग्राम है ना, इसका दूसरा हिस्सा भी कम्प्लीट होना है, मुकम्मल होना है, और मैं कुछ और गाने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, उन्हें सुनते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से देर रात 1 बजे फिर रेनबो रिवाइंड का आखिरी पहलू लेकर आज की रात का। फिलहाल ये गाने सुनते हैं और बने रहिए मेरे साथ रेनबो रिवाइंड पर, दिल से दिल तक।
जहां तुझे छाया बनूं शिव।